भारत नेपाल सीमा के शहर जयनगर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग मधुबनी के द्वारा देर रात भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के बेला बांध चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सभी तरह के आने जाने वाले लोगों के अलावे वाहनों की चेकिंग की गई। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस विभाग के साथ उत्पाद विभाग को भी निर्देश दिया गया है। शराबबंदी कानून को शत प्रतिशत लागू करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के बेतौहा गांव से निकलने वाली मुख्य सड़क NH-227 बेला बांध चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी तरह के वाहनों के आने जाने पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच कराने के बाद ही रवाना किया जाएगा। साथ ही सीमा पार से आने वाले सभी वाहन चालकों एवं आम राहगीरों के मुंह में मशीन लगाकर शराब सेवन की जांच की जाएगी। शराब का सेवन करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर मधुबनी न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। और यह जो जांच कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आप लोग जांच करते हैं? इसमें कुछ लोग शराब वगैरह पॉकेट में भी लेकर के आता है और कुछ लोग जो बाइक पे बांध के वगैरह भी लेकर जाता है और हम लोग जांच करते हैं, तो कुछ लोग आता है तो पकड़ा भी जाता है। अच्छा। और अभी तक तो भी नहीं कुछ पकड़ाया है। अच्छा। लगभग कितने देर से जाँच कर रहे हैं अभी? हम लोग तो 24 घंटा करते हैं, लेकिन अभी अगला वहाँ पर है साइड बॉर्डर बेतौना है। अच्छा। और यहाँ पर रास्ता भी समय में लोग आना जाना काफी रहता है, यहाँ पर भी करते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है जिसके कारण लोग नेपाल से पीके भी आते, इसीलिए नेपाल सीमा है। अच्छा। बेतौना से टच करता है मधुबनी जिला से। जी जी, धन्यवाद सर। जाँच चल रही थी, आप लोग जांच कर रहे हैं और अच्छा ही काम कर रहे हैं कि जो लोग शराब पिए होंगे उनका जांच कर रहे हैं? कैसे क्या काम कर रहे हैं और किस तरह का यह काम कर रहे हैं? लोग के बीच अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप, इसके बारे में दो शब्द बताएंगे सर। हाँ, हम यहाँ जाँच करते हैं, इसमें पीने होने वाला ये मशीन है, ब्रेथ एनालाइजर मशीन है जी, इससे हम जाँच करते हैं। जो शराब पी रखा है ये मशीन में आएगा, जो नहीं पिया है इसमें जीरो दिखाएगा ये मशीन में। सर, जो पिया होगा तो उनको आप लोग पकड़ के और थाना को हाजिर कर देंगे, वही ना सर? हाँ, जो पी करके आता है वो हम लोग ले जाते हैं थाना में और न्यायालय में। पहली बार अगर पी करके जो आता है तो न्यायालय में उसको छोड़ दिया जाता है जुर्माना दे करके। अच्छा। राशि जुर्माना की राशि से। और जो दूसरी बार अगर पी के लोग पकड़ाता है तो उसको न्यायालय ठीक सजा दे देता है। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है जी। किस पद पर है सर अभी? सिस्टम सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, धन्यवाद सर।